नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यहां मोदी ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। पीएम ने वो तीन बातें भी बताई जिनकी वजह से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस और ज्यादा खास हो गया है। इससे पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। देश में अभी दो तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति और दूसरी है देशभक्ति। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। ये उक्त बातें बीजेपी के अध्यक्ष और साथ ही बीजेपी के जो चेहरे हैं, जो खास चेहरे हैं, उन्होंने कही। यानी कि ये जो दो शब्द मैंने आपको, दो लाइंस मैंने आपको बताई हैं, ये नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कही। बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया और इससे चुनावी मुद्दा बनाया। लोगों को समझ आ गया है कि परिवारवादी सरकारों लोकतंत्र की दुश्मन है और संविधान को कुछ नहीं समझती। आगे मोदी बोले कि बीजेपी का यह स्थापना दिवस तीन वजह से महत्वपूर्ण है। आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियां जिसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। चार राज्यों में बीजेपी की सरकारें वापस लौटी हैं। तीन दशकों बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्य की संख्या 100 के पार पहुंची है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।